गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेग्राउंड के सीजन 3 के बारे में। प्लेग्राउंड सीजन को पहले से ही एक हफ्ता हो गया है और चीजें बहुत इंटेंस हो रही हैं। अपने लेटेस्ट एपिसोड में मॉर्टल और टेक्नो गेमर्स के दरमियान एक जबरदस्त गेमिंग जंग हुई, जिसमें जब मॉर्टल ने टेक्नो गेमर्स और उनकी टीम को शिकस्त दी और उनको ट्रोल किया, और यही नहीं टेक्नो गेमर्स की टीम के दो मेंबर्स हिमांशु और आदित्य के दरमियान बिल्कुल नहीं बन रही और उनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ये वीडियो आप खुद देख ले। काउंट ही नहीं करता, मुंह पे बोल लेता ना, बोल दिया ना मुंह पे, काउंट ही नहीं करता मैं तुझे किसी में। सिर्फ और सिर्फ तू यहाँ पे मांग सकता है सिंपैथी, क्योंकि तुझे पता तेरे पास और कुछ है नहीं भाई। है ना, ले ले। तू गिरा था भाई, जब छह इतनी लड़कियां बैठी थी, इतने गंदे इशारे कर रहा था ना अपने घर पे अपनी मम्मी और अपनी बहन के सामने। भाई बातें बहुत दिलचस्प हो रही हैं और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से ये भी सुनने में आ रहा है कि आलोक यादव की बहुत जल्द शो में एंट्री होने वाली है। अब बात करते हैं हार्दिक पंड्या के बारे में। IPL के गुजरात वर्सेस मुंबई वाले मैच में हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस टीम को लीड कर रहे थे। वो मैच तो हार गए, लेकिन जब ये मैच हो रहा था और दोनों कैप्टन शबनम गिल और हार्दिक पंड्या टॉस के लिए गए, और जब शबनम गिल का नाम अनाउंस हुआ तो सब उनको चीयर कर रहे थे, मगर हार्दिक पंड्या के नाम का ऐलान होते ही सब ने उनको हेट दिया। यहां तक कि जब पंड्या बैटिंग के लिए आए तो लोग उन्हें बू कर रहे थे। ये क्लिप देखें। अब इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। यकीनन पहला रोहित शर्मा का है। हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन रोहित शर्मा को रिमूव करके बनाया गया था। दूसरी रीजन ये है कि ये मैच अहमदाबाद गुजरात में था, और पिछले दो सीजन्स में हार्दिक पंड्या गुजरात की टीम के कैप्टन थे, इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि वो धोखा देकर पैसे लेकर वापस मुंबई चले गए, इसलिए गुजरात के ऑडियंस भी उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। यही वजह है कि उन्हें इतना हेट मिला। इस पर रिएक्शन एक्सप्रेस करते हुए कमेंटेटर केविन पीटरसन ने ये भी कहा कि आखिरी बार कब था जब किसी हिंदुस्तानी को इंडिया में ही ट्रोल किया गया हो। ये बहुत ही कम होता है। यहाँ तक कि कल के मैच के दौरान कोई डॉग ग्राउंड में दाखिल हो गया। जैसे ही डॉग अंदर दाखिल हुआ, सब ने हार्दिक हार्दिक चांट किया। यही नहीं, हार्दिक के खिलाफ कुछ एक्सट्रीम चांट्स भी किए जा रहे थे। आप लोगों की क्या राय है? क्या हार्दिक वाकई इस सिचुएशन में इतना ज्यादा हेट डिजर्व करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन अब बात करते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB के बारे में। लखनऊ की टीम ने RCB को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया और खुद को भी। बेसिकली IPL शुरू हो गया है और सभी टीमों ने एक एक मैच खेला है, और LSG और RCB दोनों टीमें इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल में हैं, और LSG ने इस पर ट्वीट किया और कहा, आज रात हम बेस्टीज के साथ चिल कर रहे हैं। बेस्टीज के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पिछले सीजन में उनकी बहुत बुरी दुश्मनी थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। सो बेसिकली फुकरा इंसान स्टार स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने गए और वहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कमेंटेटर्स का मैच था। ये सेट के अंदर हुआ और ये एक छोटा सा ग्राउंड था, लेकिन फिर भी फुकरा इंसान ने स्टीव स्मिथ को बैटिंग के दौरान चौके और छक्के मारे थे, जिस पर फुकरा इंसान ने ट्वीट किया, स्टीव स्मिथ को छक्का मारने पर फखर है। भाई जो भी हो, अगर आप किसी लेजेंड खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह बाउंड्री लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना के हवाले से। रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना के कंट्रोवर्सी में एक बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, आप सबको याद होगा जब पिछला सीजन चल रहा था, सब आपस में झगड़ रहे थे, तब रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना की बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। अब दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि कल रजत दलाल ने ये स्टोरी अपलोड की। तो दोस्तों, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं।